Hey everyone, welcome back to my channel. कैसे हैं? आई एम फराया से, फ्रॉम फराया से टैरोट 7777. होपफुली आप लोगों ने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा. यहाँ पर भी आप हार देना ना भूलिए, रेजोनेट करें. हैशटैग फराया से 7777 ज़रूर लिखिएगा, ताकि जो भी इसमें पॉजिटिव रीड आए आपको जो है ना रेजोनेट करे सून एज सून पॉसिबल. अच्छा, इट्स अ पिक अ कार्ड रीडिंग. मुझे नहीं पता इस कार्ड में क्या, आई हैव जस्ट शफल इट एंड मैंने इसे फिक्स कर दिया है. हर कार्ड के ऊपर एक अपना मैसेज लिखा हुआ है, यू कैन रीड दैट. आपको पढ़ के पिक करना है, आपकी मर्जी. ये आपके लिए मैसेज है, ना ये किसी पर्सन के लिए है, ना इस दुनिया में किसी भी थर्ड पर्सन के लिए. दिस मैसेज इज़ फॉर यू ओनली, ठीक है? और किस तरह से हो सकता है आपको गाइडेंस मिल जाए, हो सकता है कुछ भी आपको मिल जाए. सो इट्स अप टू यू. अगर आपको इस मैसेज को रीड करके पढ़ना है, इट्स अप टू यू. अगर आपका कोई बर्थडे है 1 से 4 तक 4 से 5 5 टू 6 6 टू 7 6 टू 10, अगर किसी का 27 बन रहा है तो उसकी मर्ज़ी. अगर 14 5 है तो ये ले लें, और इससे ऐड करके जो आपके नंबर्स जो लकी बनते हैं आप वो ले लें, या 1 से लेके 4 में ये ले लीजिए, 5 से लेके 6 में ले लीजिए. वरना अगर आपको टाइगर आया है, ब्लू एमेथिस्ट, या जो है ना क्या नाम है मरजान समझ आ रहा है, तो आप वो देख लीजिए, ठीक है? सो लेट्स बिगिन विद द पाइल नंबर 1, विच इज़ मैं क्लियर ऑन व्हाट माय सोल रियली वांट, ठीक है? सो मैं मैसेजेस पढ़ना स्टार्ट करती हूँ. टेक आउट द सोल नंबर के साथ, ठीक है? मैसेज ये है, आस्क योर सेल्फ व्हाट इज़ दैट योर सोल रियली वॉन्ट्स. यानी जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, तो परवरदिगार उनसे कहना चाह रहे हैं कि आप एक्चुअली डबल माइंडेड हुए हैं. आप सोचिए आपको एक्चुअली में और रियली में कह रही है. ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाबा डबल माइंड हो, कभी एक दुआ करें कभी दुआ करें, कभी यूँ हो जाए, कभी आप कह रहे हैं कि वो मर जाए. फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ना करे, मैं ये नहीं कह रही कोई ऐसा कह रहा है. अगर कभी कोई कह रहा है कि वो वापस है ना, फिर आप कहते हैं नहीं 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 मैं इसके बगैर तो रह नहीं सकता. अगर आप खुद इतने डबल माइंडेड हुए हुए हैं, या अगर आपको कोई जॉब है, या अगर आपसे कोई फैसला नहीं ले जा रहा, ये ज़रूरी नहीं है लव लाइफ, ये आपके बिजनेस लाइफ का भी हो सकता है, या आपके किसी भी चीज़ का हो सकता है. अच्छा, मैं ये पार्ट्स में बना दूंगी, तो पार्ट्स 1 है ये, विद 1 से लेके 4 तक वालों का. तो फिर मैं ये 1 2 3 में कर दूंगी, ताकि ना ये इतनी लंबी वीडियो ना देखनी पड़े किसी को, और थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी कर दूँ, ऑब्वियस है ना. तो मसला ये है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं एक्सप्लेन ज़्यादा करती हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि जी आपका मैं एक्सप्लेन करती है तो मैं कहाँ ही जाऊँ बीच में ना. सो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझदार हैं, कुछ नहीं है, तो मैं तो सबके लिए एक जैसी ही हूँ ना. तो परवरदिगार आपसे कहना चाहते हैं कि बेसिकली आप चाहते क्या हैं, आप खुद सोचिए और उसका फ़ैसला लीजिए, और आपका दिल क्या चाहता है आप सोचें, देन टेक 1 स्टेप, ठीक है ना. और उस तरफ एक कदम आप बढ़ा दीजिए. आपको हमेशा 2 राहें मिल रहे हैं, ये बिज़नेस के लिए भी हो सकता है, ये जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी हो सकता है, ये बच्चों के किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है. ज़रूरी नहीं है ये लव लाइफ के लिए हो, ये सिंगल्स के लिए भी हो सकता है, जिन्होंने उनका ब्रेकअप चल रहा हो वो भी डबल माइंडेड हुए हैं कि आए हम किसी रिलेशनशिप में आएँ या ना आएँ. और अगर सिंगल हैं वो सोच रहे होंगे कि क्या हमें कभी कोई रिलेशनशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उनके लिए भी यही है कि 1 स्टेप आगे लेके देख लें, जो आपका दिल चाहता है वो करें, वो फिर आपको पता लग जाएगा कि वो डायरेक्शन आपके लिए कैसी है, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच.